हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SS टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि एक कोड एडिटर है, उसकी इंस्टॉलेशन और कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम एक ब्राउज़र में जाते हैं। आई एम मोस्टली प्रिफर्ड माइक्रोसॉफ्ट एज एंड टाइप हियर डाउनलोड एंड एंटर। देन हमें इस लिंक पर जाना है, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट की लिंक है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। नाउ यू कैन सी हियर विजुअल स्टूडियो कोड का 1.47 वर्जन अभी अवेलेबल है, जो कि अभी अप्रैल महीने में लॉन्च हुआ है। एंड विजुअल स्टूडियो कोड इज़ अवेलेबल फॉर दिस प्लेटफॉर्म्स, और उसमें से हमें विंडोज़ के लिए विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो सो क्लिक ऑन विंडोज़। एंड क्लिक ऑन सेव। सी डाउनलोड इट इज़ कंप्लीटेड नाउ। देन क्लिक ऑन रन। क्लिक ऑन एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। नेक्स्ट। सो गाइज, इस पाथ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होने वाला है। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक नेक्स्ट एंड क्लिक नेक्स्ट एंड क्लिक इंस्टॉल। और ये इंस्टॉल हो रहा है अभी अपने सिस्टम में। And friends, see here, Visual Studio Code is installed, and click on finish. And this is your Visual Studio Code interface. Welcome page को हम close कर देंगे. और this is Explorer. यहाँ से हम फोल्डर ऐड कर सकते हैं जहाँ पे हम हमारे प्रोग्राम सेव करेंगे। सो ओपन फोल्डर हियर। यहाँ पे हम न्यू फोल्डर बनाएंगे। और अपना ये फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया। और हम एक विजुअल स्टूडियो कोड में प्रोग्राम लिखना है, तो न्यू फाइल में क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्रोग्राम का नाम न्यू, क्लिक इंटर, क्लोज दिस एंड वी कैन टाइप हियर आवर पाइथन प्रोग्राम। एंड देखिए गाइज, यहाँ पे ये बता रहा है कि आप एक्सटेंशन पाइथन का एक्सटेंशन आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड खुद से ही इंडिकेट करता है कि एक प्रोग्राम पाइथन का है, जावा का है, उसके एक्सटेंशन से। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे टाइप करेंगे।
और हमें सेव कर लेंगे यहाँ से फाइल में जाके सेव में से। और एक दूसरा तरीका है सेव करने का, यहाँ फाइल में जाके ऑटो सेव मोड ऑन कर दीजिए ताकि आप जितना भी कोड लिखे वो ऑटो सेव हो जाए। तो मैंने ऑलरेडी ऑन कर दिया है। और उसके बाद आता है सर्च, यहाँ से हम हमारे फोल्डर्स एंड फाइल्स सर्च कर सकते हैं। देन सोर्स कंट्रोल, सोर्स कंट्रोल से हम विजुअल स्टूडियो कोड में लिखे गए कोड्स एंड प्रोग्राम्स हम गिटहब से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी पे मैं आगे जाके और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, हाउ टू कनेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड टू गिटहब। सो गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाले सारी वीडियोस आप देख सकें। ओके, देन आता है रन एंड डीबग। हियर वी कैन रन दिस प्रोग्राम एंड डीबग दिस प्रोग्राम। और उसके बाद आता है एक्सटेंशन, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है विजुअल स्टूडियो कोड का। यहाँ से हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। इफ़ हम जावा की प्रोग्रामिंग करने वाले हैं तो टाइप जावा एंड सर्च। तो हमें ये सारे एक्सटेंशन बता देगा जावा, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट का डीबगर फॉर जावा है एंड मेवन फॉर जावा, जावा टेस्ट रनर। और आपको जैसे भी प्रोग्रामिंग करनी है जावा में और पाइथन में, जस्ट टाइप एंड सर्च हियर पाइथन और इसके आप एक्सटेंशन ऐड कर सक। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पाइथन का एक्सटेंशन यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो ऐसे ही आप भी यहाँ पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सटेंशन ताकि आपको आपके प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत ना जाए। देन एक और ख़ास बात अबाउट विजुअल स्टूडियो कोड इज, हम यहाँ पे लिखे गए प्रोग्राम यहाँ के टर्मिनल से खुद के विजुअल स्टूडियो कोड के टर्मिनल से ही रन कर सकते। यहाँ पे टर्मिनल ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी कीजिए और सर्च कीजिए टॉगल इंटीग्रेटेड टर्मिनल और क्लिक। यहाँ पे वो टर्मिनल खुद का विजुअल स्टूडियो कोड का टर्मिनल है, यहाँ से हम यहाँ के प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं। खास बात विजुअल स्टूडियो कोड की ये है कि स्टैक ओवरफ्लो के डेवलपर सर्वे में 2016 के डेवलपर सर्वे में विजुअल स्टूडियो कोड का 13वां रैंक था अमॉन्ग मोस्ट पॉपुलर डेवलपमेंट टूल। और उसके बाद दो साल बाद 2018 में विजुअल स्टूडियो कोड ने उसी सर्वे में फर्स्ट रैंक अचीव किया था। तो इससे आपको पता ही चलता है कि ये कितना पॉपुलर और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने वाला कोड एडिटर है। मोस्ट ऑफ द डेवलपर यही यूज़ करते हैं कोड करने के लिए। और हम आने वाले काफ़ी वीडियोस में कोर प्रोग्रामिंग के लिए यार बेसिक प्रोग्राम के लिए यही टूल यूज़ करने वाले हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। एंड और एक तरीका है विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने का, कमांड प्रॉम्प्ट से भी हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर सकते हैं। जस्ट टाइप हियर कोड एंड क्लिक इंटर। और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।